और बी के दरमियान क्या आता है? गैप। ए और बी के दरमियान में थोड़ा फासला है और तो कुछ नहीं है। थोड़ा अपना दिमाग यूज करें ना, आता है कुछ कुछ आता है। ए और बी के दरमियान क्या आता है? स्पेस आती है। ए और बी के और आता है। जी बिल्कुल, ए और बी के दरमियान और आता है। मेरे ख्याल से तो ए और बी के दरमियान तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सोच लेना, थोड़ा सा सोचे, दिमाग में दो डालें। गैप ही है बस। ए और बी के दरमियान कुछ नहीं आता। ए और नहीं आता, कुछ है कुछ। ए और बी और आता है ना। जी बिल्कुल सही आंसर कर दिया, फौरन आंसर किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 के प्रोग्राम कॉमन सेंस के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया मलिक। और आज हम कॉमन सेंस प्रोग्राम में लेके आए हैं एक ऐसा सवाल जिसको जज करना है यहाँ के जो लोग आ रहे हैं। सवाल आज का हमारा कुछ यूँ है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है। चले हम लोगों से पता करते हैं कि ए और बी के दरमियान क्या आता है। लेट्स गो। हमारे पास मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान, अच्छा इरफान, आप यहाँ पर म्यूज़िक लोगों को इंटरटेन करते हैं। आप इंटरटेन करते हैं तो हम आपसे जानते हैं कि आपके अंदर कितना कॉमन सेंस है। और हमारा जो सवाल है वो सवाल ये है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है? गैप। गैप सोच लें, थोड़ा सा दिमाग को दौड़ दें, सोचें। ओके, ए और बी के दरमियान क्या आता है? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने वैसे बता दिया। गैप आता है थोड़ा। नहीं, थोड़ा सा दिमाग को अपने अंदर देखें ना, कॉमन सेंस तो होगा ना, थोड़ा बहुत तो होगा, सोचें। नहीं, नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी। नो, चले नाज़रीन, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमने सेंटर्स में देखा है कि हमने महक मलिक को देखा है जो एक बहुत ही मशहूर, हम कह सकते हैं कि मॉडल हैं जिनके चाहने वाले बहुत हैं, तो वो हमें नज़र आई हैं शॉपिंग करते हुए। चले आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनको कॉमन सेंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप शॉपिंग करने आई हुई हैं? जी शॉपिंग करने आई हूँ। अच्छा, तो क्या, और मास्क उतार दें जी। अच्छा, आप बताएँ कि आपके अंदर कॉमन सेंस कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो लोग बता सकते हैं, मैं अपने मुंह से तो अपनी तारीफ नहीं कर सकती। चले हम भी जज कर लेते हैं, क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और पता करते हैं आपका कॉमन सेंस कितना है। अच्छा जी, हमारा सवाल ये है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है? ए और बी के दरमियान तो कुछ भी नहीं आता। नहीं, कुछ तो आता है, देखिए आपके चांद जगह आती है बस। नहीं, जगह नहीं आती, कोई चीज़ आती है। आपके चाहने वाले इतने हैं ना कि आप थोड़ा सा अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें ताकि आप इसको आंसर कर पाएँ। ए और बी के दरमियान में थोड़ा फासला है और तो कुछ नहीं है। थोड़ा अपना दिमाग यूज करें ना, आता है कुछ कुछ आता है। कुछ नहीं आता। ए और बी, ए और बी के और आता है। जी बिल्कुल, वाकई इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस है, इन्होंने जज कर लिया कि ए और बी के दरमियान और आता है। थैंक यू सो मच। चलिए हम इनसे पता करते हैं इनके अंदर कॉमन सेंस कितना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुश्ताक शाह। अच्छा मुश्ताक, आप बताएं आपके अंदर कॉमन सेंस है? मुझे नहीं पता, आप चेक करें। चलिए चेक कर लेते, सवाल करते हैं आपसे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ए और बी के दरमियान क्या आता है? स्पेस आती है। नहीं, कुछ तो आता है ना, स्पेस स्पेस नहीं आती। ए और बी के दरमियान? ए और बी के दरमियान स्पेस ही आती हो तो कुछ नहीं आता है कोई, लेकिन थोड़ा सोचे ना, थोड़ा होगा तो कॉमन सेंस आपके अंदर थोड़ा बहुत तो होगा ना, सोचे आप। कौन सा सब यहाँ घूम रहे होते? सोचे। ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान स्पेस आती है तो कुछ नहीं आता। जी नाज़रीन, इनका भी कहना है कि स्पेस आती है, बहुत से लोगों ने यही कहा है कि स्पेस आती है, बट सही वाला आंसर जो है वो किसी ने नहीं बताया। चलिए हम आगे लोगों से पता करते हैं, मे भी उनको कुछ आंसर आता हो। जी नाज़रीन, हम इनसे पता करते हैं इनके अंदर कॉमन सेंस कितना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस फरीद। अच्छा मिसेस फरीद, आपको क्या लगता है आपके अंदर कॉमन सेंस कितना होगा? जितना होना चाहिए कॉमन पर्सन। पहले हम देख लेते हैं, सवाल करते हैं आपसे। अच्छा, हमारा सवाल है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है?
ए और बी के दरमियान लेटर्स की बात कर रही हैं, अल्फाबेट देखिए, ए और बी के दरमियान कोई चीज़ आती है, आपने बताना है कि वो क्या आता है ए और बी के दरमियान। ए और बी के दरमियान और आता है। जी दादी बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया, वाकई और आता है ए और बी। जी नाज़रीन हमें मिले हैं रास्ते से, ये भी शॉपिंग करने आई हैं, ये बहन है या भाई, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? कैस। कैस, कैस आपने इतने लंबे बाल क्यों रखे? बस ऐसे ही। शौक है आपको? शौक है। लेकिन अच्छा चलो, लोगों को शौक तो होता है ना, लेकिन वो ये है कि अपने बाल बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप क्या यूज़ करते हैं अपने बाल बढ़ा लें? बस ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। नहीं आए। अच्छा ऑयल यूज़ करते हैं, मतलब आपका दिमाग तो थोड़ा चलता होगा ना? चलती होगा। कॉमन सेंस कितना है आपके अंदर? काफ़ी है। चले अभी पता चल जाता है। हमारा सवाल है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है? गैप आता है। गैप नहीं आता, कुछ आता है, लेकिन आपने खुद बताना है, कुछ सोचे ना, बाल इतने बड़े हैं, थोड़ा दिमाग तो चलता होगा ना? ए और बी के दरमियान थोड़ा सोचे और ही आता है। जी बिल्कुल, इन्होंने बालों का जो इन्होंने बाल बढ़ाए हैं वो थोड़ा फ़ायदा देगी, इनका जो कॉमन सेंस है वो बहुत अच्छा चल रहा है। इन्होंने 10 सेकंड के बाद इन्होंने आंसर कर दिया है कि ए और बी के दरमियान और आता है। जी नाज़रीन इनसे बात करते हैं कि इनके अंदर कॉमन सेंस कितना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा राबी। क्या नाम है? राबी। राबी? हाँ जी राबी। राबी बहुत अच्छा नाम है। अच्छा यहाँ पर क्या करती हैं आप? मैं कॉस्मेटिक में होती हूँ। अच्छा कॉस्मेटिक में होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर जो कॉमन सेंस है वो कितना होगा? बस नॉर्मल ही है, इतना ज़्यादा भी नहीं और इतना कम भी नहीं है। नहीं मतलब अगर आप थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो हो सकता है ना कि आप उसको आंसर कर पाएँ। हाँ मे भी। ठीक है जी, हमारा जो सवाल है वो सवाल कुछ यूँ है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है? ए और बी के दरमियान तो गैप ही है बस, और तो कुछ भी नहीं है। कुछ आता है, कुछ आता है, लेकिन आपने इसको जज करना है, थोड़ा दिमाग अपना इस्तेमाल करना है और बताना है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है। मेरे ख्याल से तो ए और बी के दरमियान तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सोच लेना, थोड़ा सा सोचे, दिमाग में जोर डालें। गैप ही है बस, फर्क है थोड़ा। अच्छा मैं इतना बता दूँ कि गैप नहीं आता, कुछ और आता है। ए और फिर और ही आता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया है कि ए और बी के दरमियान और आता है। जी बिल्कुल आपके अंदर कॉमन सेंस है। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन बात करते हैं इनसे कि जानते हैं कि इनके अंदर कॉमन सेंस कितना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। नाम बता दें अपना। मदिया राजपूत। अच्छा मदिया राजपूत, यहाँ पर क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर जो कॉमन सेंस है वो कितना होगा? कितना मतलब क्या? मतलब कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले तो आप उसका कितनी जल्दी आंसर कर पाती हैं? कर सकती हूँ, आप करो। मतलब ये है कि आपके अंदर कॉमन सेंस है। ठीक है, हमारा जो सवाल है वो सवाल ये है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है? क्या? ए और बी के दरमियान क्या आता है? ए और बी के दरमियान क्या आता है? क्या टाइम? ए और बी के दरमियान कुछ नहीं आता। क्या नहीं आता? कुछ है कुछ। ए और बी और आता है ना? जी बिल्कुल सही आंसर कर दिया, फौरन आंसर किया है। मतलब इनके अंदर जो कॉमन सेंस है वो कुछ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे क्विकली जो आंसर किया है वो इन्होंने किया है। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन हमें एक अंकल बैठे दिखाई दिए हैं, आई होप कि उनके अंदर तो कॉमन सेंस ज़रूर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? दुआएं आपकी। अच्छा क्या नाम क्या है आपका? जमशेद रुबानी। अच्छा जमशेद रुबानी। अच्छा आपको क्या लगता है कि आपके अंदर जो कॉमन सेंस है वो कितनी कुछ होगी? तकरीबन 50% होगा। 15% मतलब कि आप आंसर कर ही पाएंगे ना? अच्छा हमारा जो सवाल है वो सवाल कुछ यूँ है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है? ए और बी के दरमियान क्या आता है? कुछ भी नहीं। नहीं कुछ आता है, ये स्पेस नहीं आती, मैं आपको पहले ही बता दूँ, स्पेस नहीं आती, लेकिन कुछ आता है, लेकिन आपने ये जज करना है थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करके कि ए और बी के दरमियान क्या आता है। ए ए के बाद बी आता है? नहीं देखिए, ए और बी के दरमियान कुछ आता है? कुछ नहीं आता। आता है, सोचे थोड़ा थोड़ा सोचे। आप बता सकती हैं? नो मैम। आपको भी नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा आपको? आपको भी नहीं आ रहा? कुछ तो सोचे ना। चले नाज़रीन इनको आंसर नहीं आ रहा, हम किसी और से पता करते हैं कि जानते हैं कि उनके अंदर कॉमन सेंस कितना है और कौन इस सवाल का
आंसर कर सकते हैं कि ए और बी के दरमियान क्या आता है। जी नादरीन, हमने इनको सेल्फी बनाते हुए पकड़ा है। हम इनसे अब जानते हैं कि इनका जो कॉमन सेंस है वो कितना है। सेल्फी तो अच्छी बना लेती हैं, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि इनका कॉमन सेंस जो है वो कितना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूं। अच्छा, सेल्फी बनाने का कितना शौक़ है आपको? इतना तो नहीं है, थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत। और आपको क्या लगता है कि आपके अंदर जो कॉमन सेंस है वो कितना है? कॉमन मतलब इतना है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन करूँ तो आप इजीली उसका आंसर कर पाते हैं। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है? गैप। नहीं, गैप नहीं आता, कुछ और आता है, सोचें। ए और बी के दरमियान गैप ही आता है। नहीं, गैप नहीं आता ना, थोड़ा सोचें, थोड़ा दिमाग पे दौड़ दें। आपको कुछ पता होगा? अब खुल गया, कुछ भी नहीं आता। क्या पूछ रहे हैं? ए और बी के दरमियान क्या आता है? सोचिए, आप ही यूज़ करें ना, आपके अंदर भी तो कॉमन सेंस होगा ना। यूज़ करें। ए और बी है। नहीं, ए और बी के जो दरमियान है ना, दरमियान में कुछ आता है ए और बी के। गैप आता है, वो तो कुछ नहीं आता। नहीं, गैप तो नहीं आता। क्या आता है ए और बी के? किधर आए? मुझे लगता है इसको आंसर आ रहा है, बट ये बता नहीं पा रहा। हाँ। आप बताएं। ये बोल नहीं ना सकती, इसलिए बता नहीं पा रही। सोचे ना भाई। ए और बी के दरमियान तो कुछ भी नहीं आता, ए और बी। चले, थैंक यू सो मच। नादरीन, इनको अभी जो है वो आंसर इतना नहीं आया, मतलब इनके अंदर जो कॉमन सेंस थी वो हमें थोड़ी बहुत नज़र नहीं आई। तो चलिए, और बंदों से पता करते हैं कि ए और बी के दरमियान क्या आता है, और जानते हैं उनका कॉमन सेंस कितना है, उनके अंदर जो उनका जो कॉमन सेंस है। जी नादरीन, ये मुझे लगता है तीन फ्रेंड्स बैठी हुई हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन सेंस है वो किसका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्त हैं आप? जी, हम कजिन्स भी हैं, फ्रेंड्स भी। चलिए जी, अच्छा हो गया। तो यहाँ पर क्या शॉपिंग करने आई हैं? जी, शॉपिंग करने आई हैं। तो खरीदा भी है? हाँ जी। अच्छा, मुश्किल से, मतलब पसंद नहीं आ रहा था कुछ? जी, कह रही है आपने मुश्किल से कुछ सूट खरीदा है, तो क्या पसंद नहीं आ रही थी कोई? पसंद नहीं आ रहा, एक तो महंगे इतने यहाँ पे, हमारी हिसाब से नहीं मिलते। हाँ, वो तो है, महंगाई तो बढ़ गई है। अच्छा चले, अब महंगाई का जो है ताल्लुक वो कॉमन सेंस से नहीं होगा आई थिंक। और चले जी, हम आपसे एक छोटा सा सवाल करते हैं, आप तीनों अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकती हैं। सवाल ये है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है? कुछ नहीं आता। ये आता तो है, कुछ आता है, लेकिन थोड़ा सा ए और बी के दरमियान और ही आता है सबसे ज़्यादा। देख लें नादरीन, जो तीन एक तीन तीन हम कदने भी कह सकते हैं, उनको दोस्त भी कह सकते हैं सबसे ज़्यादा। आपका क्या नाम है? अलीना। अलीना का जो कॉमन सेंस है ना वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने फ़ौरन आंसर कर दिया। थैंक यू सो मच। जी नादरीन, हम जानते हैं इनके जो इनका कॉमन सेंस है वो कितना, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। नाम बता दें अपना। रूबी। अच्छा रूबी, आप बताएं मुझे कि आपके अंदर जो कॉमन सेंस है वो कितना है? ठीक है। अच्छा, कॉमन सेंस मतलब आपके अंदर अच्छा है। और मैं आपसे एक करने लगी हूँ एक छोटा सा सवाल, और आपने उस पर थोड़ा गौर करना है और आपने देना है उसका आंसर, ठीक है? अब जो हमारा सवाल है वो सवाल ये है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है? क्या आता है? के बाद बी आता है। नहीं, ए और बी के दरमियान, दरमियान की बात हो रही है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है? ए के बाद बी आता है। ओहो, ए के बाद बी तो आता है, लेकिन उनके दरमियान कोई चीज़ है, आती है ए और बी। थोड़ा सोचें ना, सोचें अपना जो कॉमन सेंस है उसको थोड़ा इस्तेमाल करें, सोचें। ए और बी। हाँ, ए के बाद बी है, ए बी। जी नाज़रीन, ये हमने बात किया रूबी से, और इनका जो कॉमन सेंस है वो हमने जानने की कोशिश की है, बट इनको जो है हमारे सवाल का जो जवाब है वो नहीं आया। चलिए, हम और किसी से पता करते हैं कि मे बी हम उनका कॉमन सेंस जाने और उनका कॉमन सेंस काम कर जाए। चले आइए। जी नाज़रीन, हमने इनको पकड़ा, इनसे जानते हैं कि इनका कॉमन सेंस कितना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शॉपिंग करने आई हैं? जी। अच्छा, तो नाम, पहले तो अपना नाम बता दें। अरूज। अरूज, और आपका? फातिमा। मामा के साथ आई हैं? अच्छा अच्छा, अरूज और फातिमा, हम कर रहे हैं आपसे एक छोटा सवाल, और कॉमन सेंस की बात है, आपने अपना कॉमन सेंस यूज़ करने और बता देना है फ़ौरन से उसका आंसर। और जो हमारा सवाल है वो ये है कि ए और बी के दरमियान क्या आता है?
درمیان درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ اے اور بی درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ اسپیس نہیں آتی، یہ اسپیس نہیں آتی، کچھ آتا ہے بتائیں، آپ بھی بتا سکتے ہیں، یوز کر سکتی ہیں اپنا کامن سینس، بتائیں، اب ذرا ڈیپلی سوچ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے آپ آنسر کے قریب قریب ہی، آپ ہی بتا دیں، اسپیس اسپیس نہیں آتی، اے اور بی کے درمیان غور کریں نا، سوال پہ غور کر لیں، کوما نہیں، غور کریں آپ، اب میں نے آپ کو اتنی بڑی ہنٹ دے دی ہے کہ آپ نے غور کرنا ہے سوال کے اوپر، اے اور بی کے درمیان کیا آتا ہے؟ اور آتا ہے، یہ بالکل ٹھیک بول ہے، اور آتا ہے، اور ان کا جو کامن سینس ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنا دکھا دیا کہ ان کے اندر تھوڑا بہت کامن سینس ہے، اور یہ پہلی لڑکی ہے جن کو میں نے ہنٹس دیا ہے کہ سوال میں ہی آنسر ہے، پھر بھی بہت بہت تھینک یو، جی ناظرین ہم ان سے پتا کرتے کہ ان کے اندر کامن سینس کتنا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک، اچھا نام بتا دے پہلے اپنا، عدنان، عدنان، اچھا عدنان اکبر، تو شاپنگ کرنے آئے ہوئے، میں تو مسز کے ساتھ آئے ہوں اور شاپنگ بھی دیکھ رہا ہوں، چیزیں دیکھ، اچھا مسز کو شاپنگ کرانے کے بعد آپ کا کامن سینس کتنا کچھ کام کر رہا ہوگا بتائیں، سینس وچ از ناٹ کامن یوزلی بٹ آئی ہیو اے کامن سینس، چلے ہم سوال کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آپ کے اندر جو کامن سینس ہے وہ کتنا ہے، اچھا ہمارا سوال کچھ یوں ہے کہ اے اور بی کے درمیان کیا آتا ہے؟ اسپیس، اسپیس نہیں آتا، اے پلس بی آتا ہے، نہیں اے پلس بی بھی نہیں آتا، مطلب اے اور بی کے درمیان کچھ آتا ہے، اس کے بعد تو سی آتا ہے لیکن اے اور نہ پہلے نہ بعد میں، درمیان میں کیا آتا ہے یہ بتانا، کچھ نہیں آتا، تھوڑا سوچیں نا، اپنی کامن سینس کو یوز کریں، تھوڑا تو سوچ سکتے ہیں نا، دیکھیں میں آپ کو پانچ دس سیکنڈ اور دے رہی ہوں، سوچیں اے اور بی کے درمیان، ٹیکنیکلی دیر از نو سچ تھنگ یو نو بٹوین دی الفابیٹ اے اینڈ بی، اسپیس ہی ہو سکتا ہے، یا بلاک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ نے وہ تو تھوڑا آپ نے یوز کرنا ہے نا، وہ آپ جیسے آپ سوال کو غور سے سن لیں پھر اس کے بعد آنسر کر لیں، لیکن آپ ایڈ آپ نے کہا اے اور بی، تو اے اینڈ بی اور مطلب، ہاں چلے اس لحاظ سے بھی ان کا آنسر ہم صحیح مانتے ہیں، انہوں نے اینڈ بھی بول دیا، اینڈ کا مطلب بی اور ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے صحیح آنسر کر دیا کہ اے اور بی کے درمیان اور مطلب اینڈ آتا ہے، تھینک یو سو مچ، چلے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے اندر جو کامن سینس ہے وہ کتنا ہے، السلام علیکم، السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان حیدر، اچھا ذیشان حیدر آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ میں شاپ مینیجر، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کے اندر جو کامن سینس ہے وہ کتنا کچھ ہوگا؟ آدھا کلو ہوگا، آدھا کلو، آدھا کلو، ٹھیک ہے، اچھا اس لحاظ سے تو پھر مطلب آپ فوراً، اچھا مطلب اس لحاظ سے پھر بھی آپ آنسر تو کر ہی پاؤ گے، دیکھتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے، چلے اچھا جی ہمارا جو سوال ہے سوال کچھ یوں ہے کہ اے اور بی کے درمیان کیا آتا ہے؟ اے اور بی کے درمیان اور بالکل ٹھیک بتایا، اے اور بی کے درمیان آتا ہے اور مطلب جو آپ کا کتنے کلو بتایا تھا آپ نے؟ آدھا کلو، آدھا، ہاں شاپر نکال کے آدھا کلو جو ان کا تھا کامن سینس تھا وہ انہوں نے بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ، جی ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اے اور بی کے درمیان کیا ہے، جس کا آنسر بہت سے کم لوگوں نے دیا اور جن لوگوں نے دیا ان کو ہمیں ہنٹس دینا پڑا تب جا کے انہوں نے اس کا آنسر کیا، نیکسٹ پروگرام میں اسی طرح کے ایک سوال کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اپنی میزبان سونیا ملک کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔